हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है फोर्थ चैप्टर है, आधुनिक भारत का इतिहास पर बेस्ड है, जो एनसीईआरटी है, एट्थ क्लास की, हमारे अतीत। ठीक है, तो उसकी 8th क्लास की, उसका ये फोर्थ चैप्टर है, आदिवासी दीप और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो ठीक है, इसमें ये छोटा सा चैप्टर है, अगर आप इसे देख लेंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दो पेजेस का ये नोट्स है, आप देख लें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने नोट की हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जनजातियाँ जो उस समय थीं, तो उनके बारे में है, उस पर बेस्ड है ये। तो इसको पॉइंट वाइज नोट किया है, मुंडा जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। ठीक है, तो एक तो ये बात है, और बिरसा मुंडा जो थे उन पर भी जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। बिरसा मुंडा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी जैसे कि संथाल और उरांव भी शामिल थे। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि जो बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ या फिर दीकुओं के खिलाफ। दीकू का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पे दीकू आया है, तो दीकू का अर्थ हुआ जो बाहरी लोग हैं, मतलब जो गैर आदिवासी लोग हैं, उनको दीकू कहा जाता था, कहते थे वे लोग। तो क्या बिरसा मुंडा के समर्थकों में सिर्फ मुंडा जनजाति ही शामिल थी या दूसरे आदिवासी लोग भी थे? तो दूसरे भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं कि संथाल उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के द्वारा पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। तो अंग्रेजी शासन, जो अंग्रेज लोग थे, वे चूँकि जो ये जनजातियाँ थीं, इनकी अपनी खुद की संस्कृति थी, खुद की एक सभ्यता संस्कृति थी, जिसे वे अपनी बनाए रखना चाहते थे कंटिन्यू, और अंग्रेज़ लोग इसमें दखल दिया करते थे। वे चाहते थे कि लोग इन चीज़ों को छोड़ें और आगे बढ़ें, और जो है उनके व्यापार में, दरअसल अंग्रेज़ों का एक मकसद था कि उनके व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी, मतलब वृद्धि हो सके, इस वजह से वे इनमें दखल पहुँचाना चाहते थे। ओके, झूम खेती करने वाले किसान यानी घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। तो एक चीज़ तो आपको याद होगी कि हम लोग ज्योग्राफी में भी हमने कवर किया था, झूम खेती यानी स्थानांतरित कृषि, एक तो पूर्वोत्तर भारत में होती है और मध्य भारत में के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ये लोग रहते थे। तो ये घुमंतू किसान यानी जो झूम खेती करने वाले, झूम खेती जो करते थे, तो पहले क्या करते थे कि जंगलों को साफ कर लेते थे, काट कर ऊपरी हिस्से को पेड़ों के, और उनको जलाकर वहाँ की राख जो हुआ करती थी उसको बिखेर दिया करते थे। और राख बिखेरने के बाद उस ज़मीन को ऐसे ही खोद कर वहाँ पर बीज जो थे, बीज डाल दिया करते थे बिखेर कर, और फसल इस तरीके से फसल उप जाते थे। और जब एक दो वर्ष में वो ज़मीन जो उसकी उर्वरता जो नष्ट हो जाती थी, तब उसको छोड़कर ये दूसरी जगह चले जाया करते थे। तो ये जो विधि, ये प्रक्रिया जो है खेती करने की, इसी को कहते हैं झूम खेती। ठीक है, झूम कृषि। तो हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये पूर्वोत्तर राज्य और मध्य भारत की जंगली पट्टियों में रहते थे। ठीक है, ओके। इसके बाद है खोंड समुदाय के लोग उड़ीसा के जंगलों में रहते थे, जो टोलियाँ बनाकर शिकार करते थे। तो एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कभी कभी मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते थे कि खोंड समुदाय, इनकी क्या विशेषता थी? ठीक है, संथाल, इनकी विशेषता क्या थी? मुंडा, इनकी विशेषता क्या थी? तो इस तरीके से, तो जो खोंड समुदाय के लोग थे ये कहाँ रहते थे? एक तो उड़ीसा के जंगलों में रहते थे, और टोलियाँ बनाकर शिकार करते थे। तो शिकार करते थे ये लोग। ठीक है, आप ध्यान रखें, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है वहाँ पर। ओके, बैगा समुदाय मध्य भारत के जंगलों में रहते थे, जो खुद को जंगल की संतान मानते थे। तो जंगल की संतान खुद को कौन मानते थे? बैगा समुदाय के लोग, जो कि कहाँ रहते थे? मध्य भारत के जंगलों में, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है, मतलब जो संतान। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी, तो मजदूरी करना कौन पसंद नहीं करता था? ये बैगा जनजाति थी, बैगा समुदाय के लोग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बन गुज्जर, तो बन गुज्जर कहाँ रहते थे? पंजाब के पहाड़ों में। और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, ये कहाँ रहते थे? आंध्र प्रदेश के। आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो एक चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये लोग गाय भैंस के झुंड पालते थे। और कुल्लू, कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिये थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ठीक है, तो कुल्लू के जो गद्दी समुदाय लोग थे, वो क्या पालते थे? मतलब भेड़ पालते थे। और कश्मीर के बकरवाल,
ये बकरियां पालते थे। ओके, ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने, इनका नाम याद रखिए आप, ये ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे वेरियर एल्विन। इन्होंने 1930 और 1940s के जो डिकेड में के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच में बिताए थे। ठीक है, मानव विज्ञानी थे तो इन्होंने उनके समुदायों के बीच में रहा और उनके जीवन शैली को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा। ओके, बेवड़। बेवड़ किसे कहते हैं? बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ठीक है, तो किस क्षेत्र के लिए? मध्य प्रदेश के घुमंतू खेती करने वालों के लिए उन्हें बेवड़ कहा जाता था। ओके, 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। तो अंग्रेज लोग जो थे, वे जो लोग घुमंतू खेती करते थे यानी स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि करते थे, उन लोगों को सभ्य नहीं समझते थे। उन लोग समझते थे कि ये लोग अभी उतने सभ्य नहीं हैं, लेकिन जो लोग टिक कर एक जगह रहकर खेती करते थे, उनको अंग्रेज लोग जो थे, उनके अंग्रेजों की नज़र में वे लोग थोड़ा सभ्य थे। तो 19वीं सदी के पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। ओके, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? अब देखिए, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए नोट कर लिया था क्योंकि मेंस में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी कहानी, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको कहानी की तरह हर एक चीज़ समझ में आती रहेगी, और उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाती है। तो देखते हैं आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े औपनिवेशिक शासन से। आदिवासी मुखियाओं को जमीन का मालिकाना हक तो मिला था, लेकिन शासकीय जो शक्तियाँ थीं वे छिन गईं। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। मतलब कि जो आदिवासी लोग थे, उनके जो मुखिया लोग होते थे आदिवासियों के, ज़मीनें तो उनकी खुद की थीं, लेकिन उसे अंग्रेजों ने उन पर शासन करना शुरू कर दिया था कि अंग्रेजों को नजराना देना उन्हें पड़ता था। मतलब ज़मीन तो वो उनकी ही थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों तक उन्हें नजराना पहुंचाना पड़ता था उनके मुखियाओं को ही। यानी जो आदिवासी मुखिया लोग थे, ये अंग्रेजों के प्रतिनिधि के तौर पर समझ लीजिए आप इन्हें। ओके, अंग्रेज चाहते थे कि घुमंतू किसान एक जगह रहें और खेती करें। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। जिन जंगलों में अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती जो लकड़ी पैदा होती थी, उन्हें आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। तो रिजर्व, वो जंगल जहाँ पर अंग्रेजों के ज़रूरत की लकड़ी जो कीमती हुआ करती थी, उसको वो रिजर्व घोषित कर देते थे। ऐसे में बहुत से लोगों को मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा था, क्योंकि जब वो रिजर्व हो जाती थी तो वहाँ से उनको हटना पड़ता था, उन जनजातियों को, और किसी दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता था। लेकिन इससे अंग्रेजों को बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया, तो हुआ क्या कि मजबूरन उन जनजातियों को वो जगह छोड़कर जानी पड़ी। तो इससे प्रॉब्लम ये आ गई कि इससे अंग्रेजों को लकड़ी काटने आदि के लिए मजदूरों की जो कमी थी, कमी का सामना करना पड़ा, और अंग्रेजों को फिर कुछ इलाकों में झूम खेती करने की छूट दे दी। मतलब कि चूंकि जो कीमती लकड़ी हुआ करती थी, उसको काटने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनके लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो ये सारे काम जो थे वहाँ की जनजातियों से ही ये लिया करते थे अंग्रेज। लेकिन जब वो वन ही रिजर्व घोषित कर दिए, तो वहाँ की जनजातियाँ जब छोड़कर चली गईं, तो वहाँ पर मजदूरों की बहुत कमी आ गई। इस वजह से उन्होंने कुछ क्षेत्र को, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर आप झूम खेती कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है, बहुत से आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। मतलब ये जो अंग्रेजों ने बना के रखा था, इसका आदिवासी समूह ने विरोध किया। कई बार खुलेआम बगावत भी कर दी। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटेल में कि वर्ली विद्रोह कब हुआ, संताल कब हुआ। ठीक है, इस तरीके से तो अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 1906 में सोंगम संगमा के द्वारा असम में, तो किसके नेतृत्व में और कब? 1906 में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है, काल क्रम, आप ये जरूर याद रखें। यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस में तो सिर्फ यही पूछते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन। किसके द्वारा? सोंगम संगमा के द्वारा असम में। और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह, इसी तरह के विद्रोह थे।
मतलब जो औपनिवेशिक वन कानून थे उनके विरोध में ये हुआ थे। ठीक है, तो 1906 में असम में हुआ था सुंगम संगमा के द्वारा। ओके, इसके बाद 18वीं सदी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय रेशम की भारी मांग थी। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग, तो हजारीबाग कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, यह ध्यान रखिए। के आसपास रहने वाले संथाल कौन कौन रहते हैं वहाँ पे? संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। उस समय इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया में 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। ओके, 1831-32 में कोल और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में, यह आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह ये कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ठीक है, और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। ये सब आप नोट कर लें क्योंकि ये मैचिंग में इसी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछे जाएंगे, पूछा जरूर जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म, बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में के मध्य में हुआ था। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोना में विश्वास न करें। ठीक है, तो आप ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन कभी कभी आपको भ्रमित करने के लिए दे देंगे कि जादू टोना में विश्वास करने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, ओके, तो आप ध्यान रखें कि ये डायन व जादू टोना में विश्वास न करें, ऐसा इन्होंने आह्वान किया मुंडाओं से। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने हिंदू जमींदारों का भी विरोध किया। ठीक है, ये लाइन आपको मिलेगी वहाँ पर। क्रिश्चियंस का भी विरोध किया और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया क्योंकि वे हर उस इंसान को, हर उस व्यक्ति को वो नहीं चाह पसंद करते थे जो उनकी खुद की संस्कृति में कोई दखल, कोई बदलाव करने की कोशिश कर रही होती थी, इसीलिए उनको दीकू कहते थे वो। ओके, वह उन्हें बाहर का मान रहे थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने उन्हें, मतलब बिरसा मुंडा को, 1895 में गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगी। कौन बनाने लगे? कौन? बिरसा के अनुयायी। उन्होंने थानों और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा, ये आप याद रखें, सफ़ेद झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये फोर्थ चैप्टर था और इसमें हमें कुछ कहानी की तरह हमें थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट जो भी हो सकता था, आपको पूरी बुक पढ़ने की, पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही उसमें, उस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो, ये लेसन कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।